चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए डेली क्लास हो रही है जिसमें मैं आपको डेली प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये कोशिका का जो चैप्टर चल रहा है जिसमें मैंने 59 से 60 क्वेश्चन करवा दिए थे, अब हम करेंगे इसके आगे वाले क्वेश्चन। चलिए शुरुआत करते हैं 61 क्वेश्चन से कि मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाएगा। 61 नंबर का क्वेश्चन, वेरी गुड। मधुमक्खी के डंक का जो इलाज करते हैं तो उसके लिए बेकिंग सोडा, किसका? बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? कार्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकेगा। सुबेरिन, जिसे हम सुबेरिन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? कणों की गति ऊर्जा रिक्त स्थान में अधिकतम होती है। कहाँ पर होती है? कणों की गति ऊर्जा कहाँ पर अधिक होती है? तो प्लाज्मा में। कणों की सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो होती है वो प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा होती है। रिक्त स्थान में पतली कोशिका भित्ति के साथ साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएँ भी होगी। पेरेनकाइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं भी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी? डी वाला, सेल्यूलोज और पेक्टिन की। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज और पेक्टिन के बनी होती है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अस्थि कोशिकाएं एवं हार्ड मैट्रिक्स में अंत स्थापित होती हैं जो किसका बना होता है? अस्थि कोशिका और हार्ड मैट्रिक्स में अंत स्थापित होती हैं जो किसका बना होगा? वेरी गुड, वो बना होता है CA और P का। चलिए कौन सा कोशिका वाला चैप्टर खत्म हो गया? ये है कोशिका विभाजन, इसमें है 15 से 20 क्वेश्चन, उसके बाद हम करेंगे अगला क्वेश्चन। सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुण सूत्र विपरीत ध्रुव की ओर गति करता है? विपरीत ध्रुव की ओर कौन गति करेगा? बिल्कुल सही, सूत्री विभाजन। एनाफेज सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुण सूत्र जो होता है विपरीत ध्रुव की ओर गति करेगा? एनाफेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये लीजिए। सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी है? बताइए। सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज जो हो जाएगी वो प्रोफेज हो जाएगी, प्रोफेज। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? मियोसिन के किस स्टेज पर गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है? मियोसिन के किस स्टेज पर गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो आधी हो जाएगी? एनाफेज फर्स्ट, किस पर? मियोसिन के किस स्टेज पर गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है? एनाफेज फर्स्ट आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ जाइएगा, और जिनको बुक मंगानी है समय से पहले मंगवा लीजिएगा। उपापचय की दृष्टि में निम्न में से किस अवस्था की कोशिकाएं ज्यादा सक्रिय होगी? प्रोफेज में। किसमें? उपापचय की दृष्टि से किस अवस्था की कोशिका ज्यादा सक्रिय होगी? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि उपापचय की दृष्टि में किस अवस्था की कोशिका ज्यादा सक्रिय होती है, तो वो होती है प्रोफेज की। किसकी? प्रोफेज की। मियोसिन के लिए कौन सा कथन सही है? मियोसिन के लिए सही कथन, वेरी गुड, मियोसिन के लिए सही कथन आपको बताना है। बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा कि मियोसिन जो होता है, मियोसिन फर्स्ट जो होता है, एक अर्धसूत्री विभाजन होता है। मियोसिन अर्धसूत्री विभाजन है, ये सही। अगला क्वेश्चन है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाएगा? शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल और विभाजन का प्रयोग किया जाएगा? 6 नंबर का, बिल्कुल सही जवाब, केवल समसूत्री विभाजन। शरीर विज्ञान और चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोनों और स्थितियों से संबंधित है?
वेरी वेरी गुड। 7 नंबर का एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी शरीर विज्ञान और चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों की विशिष्ट स्थितियों से संबंधित हैं, तो एंड्रोलॉजी। कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा है? मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा कौन सा है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आ जाएगा, एपिडर्मिस। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? कोशिका विभाजन किससे संबंधित है? कोशिका विभाजन किससे संबंधित है? साइटोकाइनिन से। साइटोकाइनिन से कोशिका विभाजन जो है वो साइटोकाइनिन से संबंधित है। एक चैप्टर हो चुका है कोशिका विभाजन, एक अगला चैप्टर आ चुका है उत्तक, पौधे, उत्तक और जंतु। शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला उत्तक कौन सा है? शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला उत्तक कौन सा है बताइए। वाह यार, सब तो आता है आपको, वेरी वेरी इंटेलिजेंट। अब उत्तक के कम से कम 100 क्वेश्चन है, तो ये 2 से 3 वीडियो में ये उत्तक के क्वेश्चन खत्म होंगे। चलिए बताइए। बिल्कुल सही, शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला उत्तक जो होगा संयोजी उत्तक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? संयोजी उत्तक हो जाएगा। मांस में संवहन उत्तक किसके बने होंगे? मांस में संवहन उत्तक किसके बने होंगे? वेरी गुड, मृदुतक के। मृदुतक के मांस में संवहनी उत्तक जो हैं वो मृदुतक के बने। फ्लोएम के द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्य रूप से कहाँ पर स्थानांतरित होता है? फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ मुख्य रूप से कहाँ पर स्थानांतरित होता है? वेरी गुड, सुक्रोज के रूप में। कहाँ पर होता है? सुक्रोज के रूप में। फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ जो होता है वो सुक्रोज के रूप में होता है। अधिकांशतः स्वपोषी पादप ऊर्जा को किस रूप में संचय करते हैं? अधिकांशतः स्वपोषी पादप ऊर्जा को किस रूप में संचय करते हैं? स्टार्च के रूप में। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? पौधों में जल का संवहन किस मार्ग से होता है? पौधों में जल का संवहन जो होता है वो किस मार्ग से होगा? जाइलम। जाइलम से होगा। पौधों में जल का संवहन जो होता है वो जाइलम। पौधों का वह भाग जो पानी और विलय को जड़ों से पौधों के अनेक भागों में ले जाता है। पौधों का वह भाग जो पानी और विलयों को जड़ों से पौधों के अनेक भाग में ले जाता है वो क्या कहलाता है? उसे हम कहते हैं जाइलम। जाइलम। पौधों में जल की ऊपर की ओर गति क्या कहलाती है? पौधों में जल के ऊपर की जो गति है वो क्या कहलाती है? पौधों में जल के ऊपर की गति उसे आप क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रसारोहण। क्या कहते हैं? रसारोहण कहते हैं। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए क्या आवश्यक नहीं है बताइए। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए बिल्कुल आपका ए वाला, सोडियम आवश्यक नहीं है। सोडियम आवश्यक नहीं है। चलिए अशुद्धि से पूर्ण रूप में मुक्त परम शुद्ध जल को क्या कहा जाता है? उसे हम आशुद्ध जल कहते हैं। पौधों की चलनी नलिका कोशिका और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता है। किसकी विशेष समानता है? 10, 20, 30 आज 35 क्वेश्चन। देखो हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ना है। केंद्रक की अनुपस्थिति, ये आज मैंने आपको फिर 35 क्वेश्चन कराए हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, और इसके अलावा आपके लिए अगर बुक अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो बुक भी मंगवा सकते हैं। सामान्य विज्ञान की ये बुक अवेलेबल है, जिसमें बायोलॉजी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश के 7,500 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। ये PNST के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं, तो आप चाहें तो इसे मंगा सकते हैं। एम्स, डाइट, PVFT, नीट सभी एग्जाम के लिए। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर सकते हैं और इसका डेमो देख सकते हैं, और PNST के ओल्ड पेपर भी अवेलेबल है, आप चाहें तो उसे मंगा सकते हैं। और कोई भी समस्या है तो आप जरूर पूछ लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।